प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज आपका 17 जनवरी 2024 वेंसडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। डॉलर इंडेक्स अभी है 103.34। कल के दिन डॉलर इंडेक्स में अच्छा खासा उछाल देखा गया टूवर्ड्स योर फ्रॉम ए लेवल ऑफ 102.7075 लेवल्स टू 103.40 लेवल्स। तो यहाँ पे जो देखने वाला बात है, आपका 28 दिसंबर, 27 दिसंबर और 28 दिसंबर के जो लो बनाया था वहां से अच्छा खासा पुल बैक किया। ये पुल बैक के बाद आपका 102.50 से 102.70 लेवल पे काफी टाइम कंसोलिडेट किया। अभी किसी भी रेजिस्टेंस लेवल पे अगर ज्यादा टाइम कंसोलिडेट करता है रेदर देन नीचे की तरफ रिट्रेस या सेल ऑफ होने की जगह पे, इन सच केस देर आर हायर पॉसिबिलिटीज कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने के लिए अपना एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा है। एंड यहाँ पर भी आप देखोगे 4 जनवरी, 3 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक कंसोलिडेट ही कंसोलिडेट किया और कल के दिन में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। ये तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट का जो आपका सिनेरियो है वहां पे 104 से 104.20 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। अभी हमें देखना है, पहला बात यहाँ पे पहले जाएगा, अगर जाएगा तो इन सच केस क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं। एंड आई एज्यूम कि ये यहाँ पे 104 से 104.20 लेवल पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए और वहां पर भी अगर टाइम पास करते हैं लाइक दिस कंसोलिडेशन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस लेवल पे आके टाइम पास करते हैं, इन सच ए केस अगेन इट विल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर एन अनदर ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। सो मैजिक इज क्या पहला ये लेवल पे आते हैं, दूसरा वाला इस लेवल पे आने के बाद क्या शार्प रिवर्सल आते हैं, सेल ऑफ आते हैं या कंसोलिडेट करते। अभी डॉलर रुपी में कल के दिन में अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया फ्रॉम एन लो ऑफ 82.8587 टू आपका 83.1011 लेवल्स तक। अभी आपका 82.1011 लेवल्स में है। सो जो आपका पहले का सपोर्ट था 83 का, आपका मीन्स 82.95 से 83.00 उस सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस एंड कल के दिन में उस रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया है। अभी क्या में हम देखेंगे कि ये क्या आज के दिन में भी 83.10 एंड 83.25 के बीच में सस्टेन कर जाते हैं। इन सच ए केस ये जो नीचे के तरफ ब्रेक डाउन देखा गया था इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फॉल्स ब्रेक डाउन। सो इसका इंपॉर्टेंस नीचे की तरफ ज्यादा नहीं रहेगा। सो हमें फिर और कुछ देखना है, डॉलर रुपी में ज्यादा कुछ साइडवेज मूवमेंट है रेदर वी मे फोकस ऑन इन इन इट्स प्लेस वी शुड फोकस ऑन सम अदर करेंसी जहां पे मोमेंटम है। अभी जीबीपी डॉलर में ए लेवल पे कंसोलिडेट करने के बाद कल के दिन में अच्छा खासा एक आपका बियरिश फॉर्म कैंडल फॉर्म हुआ है। अभी हमारा जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन आपका आ जाएगा 2 जनवरी एंड 3 जनवरी का लो। इस लो के नीचे अगर सस्टेन कर जाते हैं थोड़े टाइम के लिए देन इट विल ट्राई टुवर्ड्स 1.25 एंड उसका भी अगर ज्यादा मीन्स क्या बोलते हैं और भी ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहते हैं यानी डॉलर इंडेक्स में अगर उसके बाद भी स्ट्रेंथ देखा जाता है इन सच केस इट में हेड टुवर्ड्स 1.2375 से 1.24 की तरफ। सो अभी का जो मेन है ये आपका 2 एंड 3 जनवरी का लो दिस लेवल व्हिच इज नथिंग बट 1.26 1.2620। जीबीपी आईएनआर सिमिलर एनालिसिस लेकिन यहाँ पे जो आपका 2 जनवरी एंड 3 जनवरी के लो के नीचे कल के दिन में क्लोज दिया है। दैट बीइंग द केस यहाँ पे आज के मॉर्निंग आवर्स में ही अगर फॉलो थ्रू मिल जाते हैं मीन सेलिंग फॉलो थ्रू मिलते हैं इन सच केस इट में टेस्ट 104.25 के तरफ, उसको भी अगर
फॉलो थ्रू मिल जाते हैं, देन इन सच ए केस एक मेजर डीप डाउन का प्रोबेबिलिटी सोचते हो सकते हैं टूवर्ड्स 103। क्या होता है हमें देखना पड़ेगा। यूरो डॉलर, यूरो डॉलर में कल के दिन में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है, जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे क्लोज दिया है। अभी क्या, अभी हमें फॉलो थ्रू चाहिए बिलो द लो ऑफ दिस ट्रेंड कैंडल। इन सच ए केस जो नेक्स्ट लेवल टारगेटेड लेवल हो सकता है वो है आपका 1.0750 से 1.0775 की तरफ। यूरो आईएनआर में भी अच्छा खासा नेगेटिविटी देखा गया एंड कल के दिन में ये जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक डाउन किया। आज फॉलो थ्रू चाहिए, फॉलो थ्रू इज जरूरी फॉर ए ब्रेकआउट और ए ब्रेक डाउन। तो इन सच ए केस हमारा जो नेक्स्ट लेवल हो सकता है 8950 से 8970 की तरफ। डॉलर येन में अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखा गया, करेंटली ये 147.25 लेवल्स है। ये जो लेवल हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है इस रेजिस्टेंस 147.50 का, उसी में आके रुका हुआ है। दैट बीइंग द केस व्हाट नेक्स्ट में हमारा जो ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस के बाद भी एक मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है, नॉट मेजर, एक मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो हो सकता है ये है आपका 149.50 से 150.00। पहले इसको तोड़ते हैं क्या, ये देखना है। अगर तोड़ते हैं तो इन सच केस दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल। इन द मीन टाइम आरएसआई वीकली आरएसआई फ्रॉम 5587 इट विल अप्रोच 60 एंड वहां पे जाके एक रेजिस्टेंस ले सकता है। आपका जेपीवाई आईएनआर में भी कल एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देखा गया एंड क्लोजिंग बिलो द सपोर्ट लेवल। दैट बीइंग द केस आज के दिन में अगर फॉलो थ्रू मिलते हैं तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 55.75। डॉलर कैंडी 1.3480। यहाँ पे ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल था 1.3380 1.3410, उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अभी करेंटली डेली आरएसआई एट 60, क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हैं या 60 को ब्रेक करके ऊपर जाते हैं। इन सच केस अगर ब्रेक करते हैं ऊपर की तरफ, इन सच केस हमारा जो मेजर हर्डल होगा वो होगा 1.36 की तरफ, $80 0.6580। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था उसको कल परसों के दिन ब्रेक डाउन किया एंड ये जो जोन था पिन बार, ये जो 5 जनवरी का पिन बार है, हाँ ये पिन बार कल के मॉर्निंग एनालिसिस में मैंने ये सीपीआई डाटा वाला वॉलेटिलिटी बोला था, लेकिन ये 5 जनवरी वाला जो स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है वो नॉट ड्यू टू सीपीआई बट ड्यू टू योर आपका एनएपी डेटा में इसके लो बिकेम इम्पोर्टेंट। इसके लो के नीचे अच्छा खासा सेलिंग एक्सपेक्टेड था एंड कल के दिन में भयंकर सेलिंग देखा गया एंड करेंटली हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल है 0.6540 से 0.6560 के तरफ है। सीएनएच 7.20, जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेशंस उसी तरफ हो गया है। अभी ये 7.20 के ऊपर अगर कुछ समय यानी 2-1 दिन अगर सस्टेन कर जाते हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर, देन CNH फर्स्ट विल हेड टुवर्ड्स योर 7.2450 से 7.25 लेवल तक एंड नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस हो सकता है वो हो सकता है आपका 7.29 से 7.30 के तरफ। ब्रेंट क्रूड 78.42, ब्रेंट क्रूड फ्यूचर है, काफी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा, मींस आप यहाँ पे छोटा छोटा कैंडल देख रहे हो लेकिन एक्चुअली आप अगर ट्रेड लोगे ना जान निकाल के छोड़ देगा, मींस आप लॉन्ग करोगे धराम करके फिर ये नीचे की तरफ चलता जाएगा, आप शॉर्ट करोगे और थोड़ा आपको प्रॉफिट इन द मनी दिखा के फिर उल्टा मारना चालू करेगा, इतना वॉलेटिलिटी इस इंस्ट्रूमेंट में है। इसका मेन कारण क्या है, मिडिल ईस्ट में काफी कुछ टेंशन हो रहे हैं। एक तो है आपका ये आपका क्या बोलते हैं हुईती भी जो रेबल्स है उसका, फिर कल के दिन में आपका वो इराक के कुछ टेररिस्ट ग्रुप के ऊपर अटैक, मिसाइल अटैक कर दिया, ब्ला ब्ला ऑल दिस थिंग्स। सो यहाँ पे ये तो हो गया आपका मींस न्यूज बेस्ड रीजंस। अभी टेक्निकल रीजंस क्या है, जब तक इस जोन को कौन सा ऊपर की तरफ ये वाला एंड नीचे की तरफ ये वाला आइदर साइड ब्रेक आउट नहीं करते, आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, ये होना लाजमी है, ये तो होना ही है। वॉलिटिलिटी
एक बार अगर क्लियर ब्रेक आउट कर देगा आइदर ऑन द हायर साइड और ऑन द लोअर साइड, तब जाके एक ट्रेंडेड मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूएस ट्रेंड एट 4.047, कल के दिन में एक अच्छा खासा उछाल देखा गया, टेकिंग सपोर्ट एट 20 पीरियड मूविंग एवरेज, इट मूव्ड हायर। नाउ इमीडिएट जो है एक रेजिस्टेंस है आपका 4.10 लेवल पे। सो हमें प्राइस एक्शंस को देखना है, क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आ जाते हैं या टाइम पास करते हैं। अगर टाइम पास करते हैं वही है, इस लेवल के आसपास अगर कंसोलिडेट करते हैं तो इट इज प्रिपेयरिंग टू ब्रेक अबव 4.10। क्या होता है वो समय ही बताएगा। और उसके बाद हमारा यूएस टू ईयर ट्रेजरी, कल यहाँ पर भी एक फ्रॉम द बॉटम अच्छा खासा उछाल देखा गया। अभी इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 4.2550 के, हमें देखना है क्या यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं या रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आते हैं, सेलिंग आता है अगेन, क्या ये बॉटम को रिटेस्ट करते हैं या चैलेंज करते हैं। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल, दोस्त हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, जेंटल रिमाइंडर डू सब्सक्राइब, थैंक यू एंड